हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एब्सिंथियम के बारे में। दोस्तों ये हमारी श्रृंखला चल रही है कंपेरेटिव मटेरिया मेडिका एंड थेरेपेटिक्स बाय डॉक्टर एनसी घोष की पुस्तक से, तो इसी कड़ी में आज हम इस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एब्सिंथियम का कॉमन नेम है कॉमन वार्म वुड। इसके पौधा, उसके फूल और पत्तों से मूल अर्क तैयार होता है। मस्तिष्क, मज्जा यानी मेडुला और मेरुदंड में रक्त की अधिकता यानी कंजेशन हो जाना, मस्तिष्क में रक्त की अधिकता की वजह से टाइफाइड ज्वर में नींद न आना, सर्दी लगकर आंखों में प्रदाह होना, आंख आना, यकृत प्लीहा बढ़ी हुई मालूम होना, मानो यकृत फूल गया हो, पेट में बहुत वायु जमा होना, वायुशूल का दर्द जिसको विंड कोलिक कहते हैं, बच्चों की बहुत देर तक रहने वाली अकड़न, मिर्गी, मंदाग्नि जिसको डिस्पेप्सिया कहते हैं, हरित पांडु रोग इंग्लिश में क्लोरोसिस के नाम से जाना जाता है, गृहसी वात जिसको सैटिका कहते हैं, कुकुरमुत्ता खाने के कारण जहर का फैल जाना, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, हमेशा पेशाब लगे रहना और उसमें कड़वी गंध आना, आदि कितनी ही बीमारियों में इसका प्रयोग होता है। मिर्गी रोग आरंभ होने से पहले रोगी के सिर में चक्कर आना, आंखों के सामने कोई मूर्ति दिखाई देती है, कान से सुन नहीं पाना, कांपता रहता है पेशेंट, शरीर सुन की तरह मालूम होना, उसके बाद ही अकड़न यानी कन्वल्जन आरंभ होना, कन्वल्जन के दौरान दांत लग जाना, दांत कटकटाना, दांत से जीभ काटना और उसकी वजह से मुंह से खून मिला फेन निकलना, ये इसके लक्षण हैं। डॉक्टर एलन का कथन है इसमें अकड़न पहले मुंह से आरंभ होती है और उसके बाद शरीर के दूसरे दूसरे अंगों में चली जाती है। वे यह भी कहते हैं कि मिर्गी के दौर के समय इसका मूल अर्क टिंचर को एक बूंद रोगी के जीभ पर टपका देने से बहुत भयानक अकड़न भी थोड़ी देर में ही दूर हो जाती है। यदि बच्चों की अकड़न बहुत देर तक रहे तो इससे बहुत अधिक फायदा होगा। डॉक्टर हेल्बर्ट का कथन है जहां बीमारी हल्की हो और रोगी एकदम बेहोश न हो जाए वहां इससे फायदा होता है। एमिल नाइट्रोसम मदर टिंचर फॉर्म में बीमारी के दौर के समय 5 से 7 बूंद दवा रुमाल में डालकर सुंघाने पर बेहोशी का दौरा घट जाता है। आर्टिमिशिया वल्गेरिस 6x एक बार बेहोशी हुई, फिर रुकी, फिर बेहोशी आई, इस तरह एक के बाद दूसरी बेहोशी का दौरा होना, इसके बाद रोगी का सो जाना, ये इसके लक्षण हैं आर्टिमिशिया वल्गेरिस के। कृमि की वजह से होने वाली अकड़न में भी इससे लाभ होता है। अगली दवा है एसिड कार्बोलिक 6 पोटेंसी में। यदि किसी भी दवा से लाभ ना हो तो इनका प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा है बुफोराना 2x और 3 पोटेंसी में। दौरा आरंभ होने से पहले रोगी खूब जोर से चिल्ला उठे, क्या कहता है ठीक ठीक समझ में ना आवे, जननेन्द्रियों की उत्तेजना पीड़ा का कारण हो अथवा जननेन्द्रियों से सुरसुरी और आरंभ होकर मिर्गी का दौरा होता हो तो इससे फायदा होगा। दौरा होने के बाद सो जाना भी इसका एक लक्षण है। डॉक्टर लिपि का कथन है डर जाने पर या स्त्रियों को ऋतु के समय दौरा होने पर और दिन की अपेक्षा रात में यदि अधिक बार मिर्गी का दौरा हो तो इससे जल्द उपकार होता है। इसके फिट का वेग और कितनी बार अग्रखंड के स्थान से आरंभ होता है। अगली मेडिसिन है काली ब्रोम 3 पोटेंसी। इस दवा से बीमारी आराम होती है या नहीं संदेह की बात है, पर इससे कितनी ही बार फिट और बीमारी बहुत जल्द घट जाती है। ओनली पैलिएटिव इन ट्रू एपिलेप्सी काली ब्रोम 3 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में पैलिएटिव के तौर पे काम करती है। दोस्तों कोई कोई कहते हैं कि
कि क्रमशः मात्रा बढ़ाकर सेवन करने से कुछ दिनों के लिए दौरा का होना बंद तो रहता है, पर अंत में बीमारी और भी कड़ी हो जाती है। अगली मेडिसिन जिंकम और हायोसाइमस। अवस्था प्राप्त बालकों की बीमारी में लाभदायक। इनके अलावा क्यूप्रमेट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, इग्नेशिया, हाइड्रोसाइनिक एसिड, बेलाडोना, ग्लोनोइन, कैल्केरिया, सल्फर, कॉकुलस, सैलिसिया। सैलिसिया में भी बीमारी का झोंका अग्रखंड के स्थान से आरंभ होता है, आदि भी मिर्गी रोग की दवाएं हैं। यदि स्त्रियों को ऋतुस्राव के समय मिर्गी का दौरा हो तो अर्जेंटम नाइट्रिकम, बुफोराना, ओनियंथी, प्लम्बम, सल्फर आदि दवाएं फायदा करती हैं। अगर अनियमित और थोड़े ऋतुस्राव के साथ बीमारी हो तो आर्टमिसिया वल्गेरिस, सिमिसिफ्यूगा, और पहली बार ऋतु होने के समय रोग हो तो कॉस्टिकम आदि दवाएं लाभदायक हैं। स्त्री रोग। स्त्री रोग में इसके जो सिम्टम पाए जाते हैं, दाहिनी ओर के डिम्बाशय यानी ओवरी में तेज दर्द होना, यह लक्षण पैलेडियम और एपिस में भी पाया जाता है। दोस्तों, हरित रोग वाली यानी क्लोरोसिस स्त्रियों की बीमारी में इस बीमारी का लक्षण यह है कि रोगिणी का चेहरा हरा दिखाई देता है, बहुत कमज़ोर हो पड़ती है, कलेजा धड़कता है। ऐसे में एब्सिंथियम विशेष फायदा करता है। पेशाब की बीमारी। पेशाब की परीक्षा करने पर यदि उसमें अंडलाल यानी एल्ब्यूमिन दिखाई दे तो एब्सिंथियम फायदा करेगा। इसमें पेशाब का रंग नारंगी की तरह और उसके घोड़े के पेशाब की तरह गंध आती है। एसिड नाइट्रिक में भी यह सिम्टम पाया जाता है। पेशाब बहुत जल्दी जल्दी लगता है पेशेंट को। दोस्तों, कान की बीमारी की बात करें तो किसी भी तरह का सरदर्द आराम होने पर यदि कान में पीप हो जाए तो उसमें एब्सिंथियम से लाभ होगा। हृदय की बीमारी। हृदय की गति समान नहीं रहती। इसके अलावा हृदय का इस तरह जोर जोर धड़ाम धड़ाम चलना कि पीठ की ओर से भी उसके स्पंदन की आवाज़ सुनाई पड़े। नाड़ी पहले तेज रहना, फिर बाद में धीरे धीरे क्षीण व धीरे होती चली जाना। इस सिम्टम पे एब्सिंथिनम बहुत अच्छा काम करती है। यह दवा आर्टिमिसिया, हाइड्रोसाइनिक एसिड, साइक्यूटास, सीना इत्यादि के सदस्य है और इसको लो पोटेंसी 1 से लेकर के 6, 9 और 30 पोटेंसी तक यूज़ की जाती है। दोस्तों, तो दोस्तों ये सारी बात हुई आज एब्सिंथिनम के बारे में। दोस्तों, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, इसको सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही एब्सिंथिनम के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की जानकारी से आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, इस तरह की और जानकारियाँ और मेडिसिन के बारे में जानकारी आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। आप लोगों का प्यार बना रहे। दोस्तों, आप लोग किस तरह की वीडियो चाहते हैं, ये आपको सही लग रहा है या इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उस पर हम आगे से परिवर्तन कर सके। दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसके आगे की मेडिसिन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।